सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, एक्सप्लोरिंग विथ नैप। और सुबह के बज रहे 5:30 और हम निकल चुके हैं वॉक के लिए। सेरू क्या हरकतें करता है पता नहीं, चलो छोड़ो इसको। जिस गधे को हर जगह सुसू करना होता है, हर जगह सुसू करेगा, नहीं तो नहीं जाएगा ये। तो अभी 5:30 बज गया और निकलते हैं। सबसे पहले इसको वॉक पे लेकर जाते हैं, वॉक के बाद घर, घर जाके फिर जिम के लिए निकलते हैं। एक्चुअली आज लेट हो गया लग रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। तो एक्चुअली सीन कुछ ऐसा हुआ गाइस कि मतलब सुबह उठा, एक्चुअली रात में प्रशांत ने फ़ोन किया कि वो घर नहीं आ रहा आज करके, और उसने बोला दरवाज़ा बंद करने के लिए मेन गेट, और मैं सो गया वैसे ही, दरवाज़ा बंद करना ही भूल गया। तो अभी सुबह आके देखा तो मतलब कोई जगह हुआ नहीं था, और ये सेरू जो है भौंकना चालू कर दिया। अभी इसको लेकर जा रहा हूँ, देखते हैं सीन क्या बनता है आगे। अभी जिम के लिए निकलेंगे थोड़ी देर में, और अभी 5:30 हो रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है। तो फ्रेशन अप वगैरह हो गए हैं, विल सी। पूरा टाइम उस बंदे को सुसु करना होता, पूरा टाइम सुसु करना होता। आज तो फाइट करने के लिए भी कोई नहीं है इसके, ये तो अभी तक दो तीन भौंकना चालू कर देंगे। देखिए आ गया एक इसका दुश्मन। चालू कर दिया इसको, तो गाइस ऐसा ही नज़ारा डेली देखना पड़ता है, इसलिए मेरे को हाथ में डंडा लेके घूमना पड़ता है। अगर नहीं घूमूंगा ना तो ये लोग बैंड बजा देंगे, एक तो इसकी बैंड बजाएंगे, दूसरा मेरी। ये लाइट का फोकस सीधा मेरे फेस पे आ रहा है तो अजीब सा दिख रहा है। अंधेरे का समय मज़ा आ रहा है, लेकिन घूमने में सुबह सुबह 5:30 आते तो यार कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा पता है। सुबह सुबह एकदम बिल्कुल अजीब सा बॉडी रहता है। ठीक है, निकल चुके हैं। और मेरे ख्याल से गाइज अभी ब्लॉग्स वगैरह डेली आने चाहिए, लेकिन मेरा क्या ना आलसी हूँ ना मैं, एक दिन करता हूँ दूसरे दिन मिस कर जाता हूँ। एडिटिंग करने का मन नहीं करता यार, बहुत कुछ होता है करने को। तो चलिए देखते हैं, अभी खेलना है उसके जो रेत है ना उस पर सुसु करने के लिए इसको मना करता हूँ, क्योंकि वो बोलता है जो उसको बेचता वगैरह है तो। लेकिन ये जाके वहीं पे सुसु करेगा, पहले तो इतनी गंदी आदत थी वहीं पे जाके पॉटी करके आ जाता था, लेकिन अभी ठीक है। और सुबह सुबह का टाइम है और मैंने जैकेट तक मैंने नहीं डाला है, मैं बस ऐसे ही हाफ टी शर्ट और हाफ निकर पर निकल गया हूँ बाहर, और बैंड इतनी बची है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। बट चलिए कोई सीन नहीं है। तो अभी इन सवेरी महाशय को देखते हैं। सर उधर कहाँ कचड़े में जा रहे हैं सर, चलिए इधर। इसको पिटने का ज़्यादा ही मन करता है मेरे से सुबह सुबह। तो गाइस मॉर्निंग का टाइम था और सेरू को छोड़ तो दिए, अब हम निकलते हैं जिम की ओर। जिम काफ़ी दूर है और एक्चुअली आज 5-10 मिनट्स लेट हो गए। हम लोग डेली 5:30 तक मैं जिम में एंट्री ले लेता था, बट आज कुछ सीन हो गया, आज कुछ लेट हो गया मैं। मुझे लगा सेरू जाएगा नहीं, सोया हुआ था, लेकिन अचानक से उठ के चला आया वो, क्योंकि उसका मॉर्निंग रूटीन है इसी टाइम पर जाना, तो इस चक्कर में तो वो आ गया अभी। सो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग बस जिम पहुंचने वाले हैं,
रास्ते में एक प्यारा सा डॉग मिल गया था, हालत ख़राब थी बट हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि सुबह सुबह क्या ही कर सकते हैं ना। सो फाइनली गाइस हम जिम में आ गए हैं। आई होप कि कोई आया ना हो, अभी आते नहीं है वैसे, फाइव ओ'क्लॉक के बाद ही आते हैं बट ट्रेनर आए हैं कि नहीं देखते हैं। सो गाइस वी आर इन जिम और ये रही बॉडी की हालत। साइकिलिंग पता नहीं क्या क्या दिया यार मेरे ट्रेनर ने, वो सब करना पड़ेगा, बैंड बजी पड़ी है। तो चलिए जिम के बाद मिलते हैं आपको। हाय गाइस, तो फाइनली हमारा जिम ख़त्म हुआ, वर्कआउट ख़त्म, मरमुरा के लेग स्टे था, बैंड बज गया, अभी घर को निकलते हैं। और रास्ता क्या दिखाना यार, वही बोरिंग सा रास्ता है, डेली डेली क्या देखो यार। अभी घर को चलते हैं, फिर मील तैयार करते हैं और खाते हैं। सो फाइनली रीच होम गाइस, और ये देखिए ये सबसे पहले वेट कर रहा है, ये तो जूते खा के ही मानेगा, ये देखिए सबसे पहले वेट करेगा। एक्स ये खाएगा नहीं, सिर्फ सूंघने का नाटक करेगा। हट जा, बॉइल करना, हट अभी। तो दिस इज माई रूम और एक बॉयलर यहाँ पे पड़ा है, तो एक बॉयल करते हैं। गाइस हमने अपना एक बॉयलर मतलब ऑन कर दिया है, वो मेरे पीछे लगा हुआ है, एक बॉयल हो रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा, 7-8-10 मिनट में। और तब तक हम लोग अपना शेक प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब वही खाने पीने का जो खाते हैं हम लोग बेकार सा, वही प्रिपेयर करके उसके बाद मिलते हैं आपसे, तब तक मज़े करो। सो गाइस फाइनली हमारा मील बनाने का प्रोसेस ख़त्म हुआ है यार, बड़ा दिमाग ख़राब होता है पता है, एक्सरसाइज करके आने के बाद मील बनाने का मन नहीं करता मेरा, बट बनाना पड़ता है, क्या करें। तो चलिए आपको मील दिखाता हूँ मैं जो सुबह सुबह लेता हूँ मैं। ये रहा मेरा शेक, ये रहे एग्स और थोड़े हैं चने, कुकुम्बर, टमाटो और पता नहीं कुछ होगा यार, मतलब यही सब है बाकी अभी इतना ही। उसके बाद सेकंड मील का टाइम होगा तो फिर से बनाएंगे और अब कुछ वॉच करेंगे और वॉच करते करते मील खाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। तो फाइनली गाइस पूरे बॉडी में विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए सनलाइट में बैठे हुए हैं मस्ती से, कपड़े वपड़े उतार दिए, मतलब नीचे पहने हैं ऊपर उतार दिए हैं, थोड़ा सनलाइट से विटामिन डी थोड़ा ले ले, तो विटामिन डी ले रहे हैं। और अभी तक भाई आया नहीं है, तो सोच रहे हैं कहीं घूमने का प्लान बनाए, देखते हैं। अगर प्लान बना तो आप लोग को ज़रूर पता चलेगा, नहीं बना तो फिर आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो आने दीजिए उसको, फिर देखते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली आई एम बैक। सो अभी तक तो भाई का चमचाना देख लिया है बट अभी मेरी बारी। तो जैसा कि आज हमने बोला था मेरे आने का इंतजार, वैसे मैं आने वाला था नहीं पर वीक ऑफ है गाइस एंड आज थोड़ा घूमने का प्लान है। घूमने का हर वीकेंड पे प्लान रहेगा, पैसा ये देगा वो अलग, वो कट हो जाएगा कोई नहीं। तो अभी होता रहता गाइस। तो अभी यही है, वैसे आज रेस्ट लेना था बट कोई नहीं, आज थोड़ा सा घूमने जाना है प्लॉट व्लॉट देखने के लिए, तो वहीं चलेंगे। तो पहले तो भाई ले रहा था विटामिन डी और अभी मेरा सेरू ले रहा है। विटामिन डी हो गया तेरा देख लो, तो इसका विटामिन डी अभी चलेगा, तो चलो। तो भाई अभी अपना पूरा लगा हुआ है रेडी करने में, पूरा चीज़ देख रहे हो, शूज वूज पूरा पैक करेगा यार, मैं ही एक अच्छा हूँ देख रहे हो, मत कुछ कहा जाए, पता नहीं अभी रिकॉर्डिंग हुआ था कि नहीं, अच्छा क्योंकि पॉज में हुआ था बट हाँ यार पाँव बहुत भयंकर ख़राब हुआ पड़ा यार, मैं क्या ही बोलूँ, अब पाँव की तो ऐसी लगी पड़ी है ना गाइस यार, कुछ भी चला नहीं जा रहा है, ये देखो सेरू का अलग ही सीन है। बट चलो कोई नहीं यार, अभी देखते हैं क्या सीन है। तो चलो कोई नहीं यार, अभी इसको रेडी होने दो, उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे और आपको आज का दिखाएंगे क्या सीन है। वैसे प्लान तो नहीं था मेरे को वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ब्लॉगिंग अभी बंद कर रखा था और साथ ही साथ अभी तो शॉर्ट ब्लॉग्स डाल रहा था बट अभी काम के वजह से पूरा बंद हो गया। तो भाई घर पर था तो बस इसी ने अभी बोला है कि इसको करना है, तो ब्लॉगिंग पूरा जो कंटेंट है वो इसी का आने वाला है, अभी तो मैं बहुत ही कम दिखूंगा बट चलो कोई नहीं, वो एक बार दिखूंगा वो ज़रूर है, और इतना घूमने का नहीं है, मेरे को पता है मैं सोने वाला हूँ, बट चलो कोई नहीं, आने दो यार वीडियो लंबा नहीं करेंगे और निकलेंगे अभी।
तो फाइनली गाइस अब निकल चुके हैं, निकल चुके हैं मतलब अंधेरे में निकल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, अंधेरे की लगी पड़ी है भाई, पांव की भयंकर लगी पड़ी है। इसको इसको पता नहीं कौन सा रोग हो गया है, इस रोग टाइम कुछ अंदरूनी बीमारी है। दिस इज हाउ इट्स न्यू किचन गाइस, अंदरूनी बीमारी है इसको। चलो बाय, चुप रह जा। तो भाई लोग फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, जो भी क्या निकल कर आ रहे हैं। हेलो गाइस, आज ज़्यादा हेलो कर रहे हैं। अरे यार गाड़ी स्पीड करूँ कि नहीं करूँ ये समझ नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ ब्रेकर आ रहा है। हाँ कुछ ना कुछ ब्रेकर आ रहा है, कहीं कुछ अलग। अरे हाँ, और ऊपर से गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, क्या बोल रहे कार नहीं है बाइक है, फिर भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। देख रहे आगे का क्या सीन है, मतलब देखो ऐसा लग रहा है कि स्पीड कर सकते, क्या बोलते हो आगे का देख। ट्रैफिक मतलब यार यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ट्रैफिक हर जगह पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देख रहे हो इसको, ही नमूने का देखो भाई, पेड़ छोड़ा तो यही प्रॉब्लम है यार, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का ही प्रॉब्लम होता है। और बाकी स्ट्रॉबेरी सीजन में आप लोगों को बंदे मिलेंगे या फिर स्ट्रॉबेरी बेक से, तो यही सबसे मस्त सीन होता है। मतलब यार क्या ही बोले, सब लोग अपने स्ट्रॉबेरी बेचने में लगे रहते हैं। बट आज का वीडियो में जो मेन चीज़ होने वाला है थोड़ा सा इस चीज़ है, बट आज आपको बताऊं कि आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, जो कि हमारे मतलब जहाँ प्लॉट है वो इलांका साइड है, और इलांका साइड में बीच में बहुत चीज़ें जो घूमने के लिए। तो अगर आप लोग वीडियो देखिए, अगर इलांका साइड घूमने जाना चाहते हो तो आपको मैं बहुत चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जहाँ पे आप इजीली घूमने जा सकते हो। तो मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बताऊँगा, जो कि डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, इतना बहस नहीं होगा। और शॉर्ट वीडियो तो ज़्यादा मतलब स्पीड फॉरवर्ड कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, जितना भी होगा लॉन्ग फॉरवर्ड ही जाएगा वीडियो। हो सके पहला वीडियो बड़ा हो सकता है, क्योंकि मोस्टली मेरे जैसा मतलब भाई को अपने चीज के ऊपर ही बना रहा है, पर छुट्टियों में हम लोग जाते रहते हैं, तो उसके चक्कर में आज बाकी देख सकते हो भाई। तो ये देखो यार सबसे बड़ा, हर छोटी छोटी जगह पर ट्रैफिक। बट चलो कोई नहीं गाइस, ये सब ट्रैफिक चलता रहेगा। अभी जो है मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, तो चलिए पहुँचते थोड़े अच्छी अच्छी चीज़ें, थोड़ा सा बाहर निकलते इधर से। और नहीं कभी डब्ल्यू टू को बाहर हो चुके हैं, एनजी रोड से भी पूरा हो चुके हैं, तो अभी हम शिवाजी नगर साइड है। यहाँ से ये पूरा मेट्रो स्टेशन का ये सीन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं बहुत दिनों बाद इतना आज तक मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, बट चलो कोई नहीं, अभी हम इलांका से पहुँचते हैं, इलांका क्रॉस करेंगे तो वहाँ से हमारा प्लॉट आ जाएगा, तो उस रोड में आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा आज। तो चलो देखते हैं आज का कैसा दिन जाता है, वीडियो बड़ा तो होगा बट मज़ा आएगा गाइस। तो स्टे ट्यून्ड इन माय वीडियो, और पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करो। सो गाइस फाइनली अभी हम लोगों ने कर लिया है स्विफ्ट यार, क्योंकि मेरे पाँव दर्द की वजह से गाड़ी तो बिल्कुल चल नहीं रही थी, तो अभी मैंने स्विफ्ट कर लिया। मतलब कि यार पाँव को आपको पता ही है कि यार अभी तो मैं चप्पल पहन के आया हूँ, और चप्पल पहनने की वजह से गियर मेरे से चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा था, तो अभी भाई को दे दिया है। और अभी तो यार हमारा आधा रास्ता भी कम्प्लीट नहीं हुआ, ज़्यादा इधर ट्रैफिक है, मतलब कि हर जगह ट्रैफिक ही आपको देखने को मिलेगा। इस ट्रैफिक में पता नहीं आज कितना होगा, मतलब हमारा बेसिकली जो प्लॉट है उसको अगर हम क्रॉस करें तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, तो मैं अगर ड्राइव करता था तो मुश्किल मेरे को 30 मिनट लगता था, बट अभी 20 मिनट हो चुका और अभी हमने आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं किया है बिकॉज ऑफ बैंगलोर कास्ट। तो ट्रैफिक नहीं है गाइस यहाँ पे, बीच में कहीं भी लोग सिग्नल होता है तो हर दो मिनट पर सिग्नल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारा। और आई डोंट नो कि आपको आवाज़ अच्छे से आएगी कि नहीं आएगी। तो ये देखो हमारा है ब्रिज, है ITC का ब्रिज है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो बेसिकली इसे ब्रिगेड रोड भी कह सकते हैं। तो आज का जो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो हमारे पास लाइक कहते हैं ना कि कह सकते हैं कि आज मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बस दिखाऊंगा जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो। स्पेशली आपको जगह का भी नाम बताऊंगा, लाइक अभी जो हम जा रहे हैं वो यलंका साइड है, लाइक हमारा जो प्लॉट है वो यलंका साइड है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद बीच में बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं।
तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताता रहूँगा हर जगह पे क्या क्या है क्या नहीं है। तो मज़ा आने वाला गाइस, तो चलो आज इतना बकवास नहीं करेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। बाकी आप है बैंगलोर की ट्रैफिक, मतलब देख रहे हो गाड़ियों पे कैसे है, जाते वक्त तो नहीं है बट आने वक्त हमारे भी लगने वाली इसी तरह ट्रैफिक। तो अभी तो कुछ दिखाने के लिए है, अभी बस हम लोग वेट करते हैं और देखते हैं जब अच्छी जगह आएगी तो वहाँ से करेंगे। क्या देखो फास्ट फॉरवर्ड ज़्यादा दिखाने का मन नहीं है, दिखाऊंगा बट ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा। बाकी हम अच्छे अच्छे जगह पे आके आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, तो बस बने रहो। और साथ ही साथ यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करो, एंड नॉइज़ का थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो उसको थोड़ा इग्नोर करो। और बाइक ड्राइविंग है, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं तो ईयरबड्स यूज़ करने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो बस बने रहो गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया और अभी हम अपने इलाके साइड में आ चुके हैं। मतलब कि इलाका है इन द सेंस कह सकते हो कि अभी हम लोग लाइक पूरे मेन रोड को हमने छोड़ दिया है और अभी हमारा जो सीन है पूरा गांव साइड एरिया में है। और इधर का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, तो इधर का एरिया आप देख सकते हो पूरा डेवलपमेंट में है, ये मेट्रो के लिए हमारा अलग से बन रहा है और रोड तो आप देख ही सकते हो गाइस। मतलब कि यहाँ पे घरें हैं, मुझे लगा नहीं था क्योंकि हम लोग का जब प्लॉट लिया गया था उस टाइम पे इतना घर तो नहीं बना था, बट इस टाइम पे बहुत चीज़ें हैं। रोड की हालत आप लोग देख ही रहे हो, पूरा मतलब कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से भरा पड़ा है। पर यहाँ एक चीज़ अच्छा है गाइस, आप देख सकते हो इधर वेदर बहुत अच्छा है यार। तो वेदर को लेकर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे वेदर के बारे में कोई वो नहीं है क्योंकि इधर पूरा जनरल टाइप एरिया है। आई नो कि ये भी बहुत जल्दी हट जाएगा लोगों के डेवलपमेंट की वजह से, बट जब तक है तब तक इधर का वेदर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और ये आपको इलाका साइड ही है हमारा जो भी प्लॉट है। और अभी मैंने जो जो बोला है लाइक अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, तो ये सब देख सकते हो यहाँ पूरे बनानास एंड कोकोनट और लाइक खजूर जो होता है गाइस उसकी खेती के लिए यहाँ पे किया गया है। तो ये पूरा अंदर साइड में है, तो ये उतना बाहर साइड एरिया में नहीं है और कुछ इधर अभी तक तो है नहीं, अभी और कुछ भी बहुत कुछ आने वाला है। बाकी यार यहाँ का व्यू देख सकते हो, मतलब कि अगर मॉर्निंग टाइम में आते हैं ना, हालांकि मैं मॉर्निंग टाइम पे नहीं था बट यार कह सकते हो आप देख रहे हो पूरा जंगल एंड ऑल। और ये हमारे यहाँ का स्टेडियम, यहाँ पे लोगों को फुटबॉल एंड ऑल सारे मैचेस के लिए स्पोर्ट्स के हमारे जो भी होते हैं सेलेक्शन या कुछ भी सीखना हो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को भी फुटबॉल ये सब सीखने का सोच जज्बा तो आप इधर आ सकते हो। और मतलब देख रहे हो कितना मस्त एरिया यहाँ पे, फुली ओपन है फुटबॉल एंड ऑल के लिए। एंड ये है पादुकोण ड्राइविंग सेंटर, स्पी स्पोर्ट साथ में खाने के लिए भी, मतलब कि स्पोर्ट्स खेल कर आने के बाद लोगों को खाने पीने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दुकानें भी बहुत सारी मिल जाएगी, मतलब कि जंगल के बीच में ना स्टोन रह सकते हैं। और अभी अभी मेरे भाई ने एक्सीडेंट कराने से बचाया है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। ये पूरा एक हिली एरिया टाइप है, यहाँ का स्टोन हिल करके इसका नेम है। और यहाँ से आई थिंक हमारे कॉलेज हो गए, स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल है गाइस। और इसको दिखाने के चक्कर में भाई गाड़ी जंगल में घुसेड़ने वाला था, बट कोई नहीं। ये देख सकते हो अभी पूरा ग्रेप्स का ये खेती बाड़ी है इधर, जितने भी अंगूर हैं इनो कि आप अच्छे से तो नहीं देख पा रहे होगे, बट ये देखो ये पूरा अंगूर का खेती यहाँ पे है। मतलब कि पूरा एरिया लंबे से, मतलब कि यहाँ से पूरा एरिया ऐसे ही भरा पड़ा, मतलब कि मैं जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम। मतलब पीछे देख ही सकते हो, मतलब कि हमारा जो पूरा लाइन जा रहा है ना उसमें आपको पूरा चीज़ आपको बगान मिल रहा है, सारा बगान का। हॉर्स राइडिंग आप लोग इंतजार में, तो थोड़ी देर में हॉर्स राइडिंग आने वाला है जिसके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो ये देख लो कैसे, मतलब बीच रास्ते में हमारे बंदर लोग अंगूर चोरी करके खा रहे हैं, और जिसका इंतज़ार था हमें, मतलब फुली हम अच्छे से कवर तो नहीं कर पा रहे हैं बट बिकॉज ऑफ जंगल एंड ऑल। बट ये है हमारी हॉर्स राइडिंग गाइस, तो यहाँ पे हमने स्लो किया हुआ है, तो ये देख सकते हो पूरा मतलब यहाँ पे हॉर्स राइडिंग के लिए आप देख रहे हो कैसे कैसे लोग यहाँ पूरा चीज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ यही पे, जिसको भी हॉर्स राइडिंग करने की अपना जज्बा हो कुछ भी हो अगर उसको इधर आना हो तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट कह सकते हैं यहाँ का। बाकी यार अगर हम नाइट टाइम में इधर आते हैं तो लोगों की फटके 10 हो जाएगी क्योंकि ये पूरा जंगल से भरा पड़ा, मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि जंगल ही रहना हो। और नाइट टाइम में आप देख सकते हो गाइस क्या सीन है हमारा, मतलब कि अभी हम थोड़ी दूर हैं पहुँचने वाले हैं
तो अभी तो छोड़ो, अभी कुछ भी नहीं है, तीन चीज़ें था, मैंने सब चीज़ बता दी है गाइस, और सारा आपको इलाका साइड में मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर अगर आपको विजिट करना हो घूमने के पर्पज से तो आप आगे कर सकते हो। बाकी चलो अभी पहुँचते अपने प्लॉट पे और देखते हैं वहाँ का सीन कैसा है। ऐसा तो कुल फास्ट फॉरवर्ड देखो ना कुल करके देखो। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा प्लॉट जहाँ पे है ना वहाँ पे पूरा अभी तक कह सकते हैं कि सुनसान एरिया, मतलब कि अभी तक डेवलपमेंट उतनी अच्छी से शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा भी अभी जो भी प्लॉट का सीन है वो ज़्यादा बनाने में हम लोगों ने फोकस अभी नहीं किया। मतलब कि देखो अभी हमारे प्लॉट के बीच में ये रूम बना नहीं था लेकिन अभी बन चुका है, और ये सब घर अभी नया बन रहा है हमारा इधर किसी और का है, और ये सब अभी दो तीन से घर हैं वो बन चुके हैं, बाकी आपको सब चीज़ देखो खंडर मिलेगा या खेती बाड़ी में मिलेगा, तो कह सकते हैं खेती बाड़ी पर्पज से जो यहाँ पर लिया है उनके लिए तो प्रॉफिट है यार। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने जगह पे, और पीछे जो घर दिख रहा हमारा नहीं है, पहले हम लोग बता दे रहे हैं ये किसी और का है, और हमारा जो ऐसा मैंने बोला था कि हम प्लॉट देखने आए, तो ये रहा हमारा प्लॉट गाइस। सो यही है हम लोग खाते हमारे यहाँ पे वही, तो यहाँ अभी तक हमने घर इसलिए बनाया नहीं है क्योंकि अभी मतलब घर बनना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़े कंफ्यूज भी हैं, मतलब कि दो जगह हमारा लिया गया है, एक हमारे गांव साइड और एक यहाँ, तो यहाँ के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या सीन है। सो यहाँ पे हमने बाउंड्री ये सब करवा दिया, लाइक नॉर्मल बाउंड्री है, और ये आप देख सकते हो यहाँ नॉट फॉर सेल हमने लिख दिया है, बाकी इधर से हमारे साइड वाले लोग हम लोग अभी जहाँ रह रहे वहाँ के लोग के दूसरों का घर है, मतलब प्लॉट है, और ये भी हमारे एक अंकल मतलब जान पहचान वालों का ही है, तो यहाँ पे तीन लोग का है और ये पूरा रोड के लिए जाने वाला है। तो अभी हमारा जो मेन प्लान है, देखो बंदर का पदंगना शुरू हो चुका है, तो यहाँ क्या सीन है ना, अभी घर ना बनाने का दो तीन कारण है, लाइक अभी हम लोगों ने सोचा हुआ है कि लाइक यहाँ पे अगर अच्छा हुआ तो इधर रेंटेड हम लोग इधर देने के सोचे हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जब हमारा भी सेटल हो जाए लाइक स्टडी कंप्लीट एंड ऑल होने के बाद चेक करेंगे क्या सीन हो रहा है। तो चलो हम भी फानते हैं क्योंकि ये देख रहे हो अपने में घूम रहा है, इसका कोई है ही नहीं, तो हाँ ये कह सकते हैं। तो चलो यार मैं भी जाऊँगा अभी तो। सो गाइस अब ये देखिए दूसरा बंदरगिरी चालू कर दिया इसने, लेकिन पता नहीं इसका पांव खराब होने की वजह से नहीं तो ये डायरेक्टली पूरा फान जाता, उसके ऊपर चढ़ने की भी जरूरत नहीं तो थी। मतलब अभी इसका ये कहना है कि हम लोग को इसको साफ करना, देख रहे हो इतना जंगल गाड़ी को। यार गाइस अब आए हैं इतने दिनों में तो मतलब ये बड़े बुलाया था, इसने बोला था बस यहां पे घूमने आ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि पूरा घास फूस काटना है। एक्चुअली यार देखो बढ़ जाएगा ना तो हमारे लिए दिक्कत हो। लो भाई घास कट गया है तो थोड़ा मजदूरी कर लेते हैं। अभी तो मेरा ये भी सोचना है, ये पता है यहां पे पेड़ पौधा अच्छा लगा सकते हैं। लागल बा कौन सा, ये वो है क्या बोलते हैं जो लंबा लंबा होता है ना, ड्रमस्टिक। ओ ड्रमस्टिक वाला, हाँ ड्रमस्टिक है। हाँ चलो एक ड्रमस्टिक, दो तीन, दोनों तीन ड्रमस्टिक। हाँ तीनों ड्रमस्टिक यहाँ पे इधर लगा, लाइक अगर बिल्डिंग इस साइड बना था ना तो हाई एरिया जिस छोटा बना इन्हें हमने पेड़ लगा सके ना। अबे अभी अभी हाई पक्का थोड़ी बा। सो मुझे नहीं लगता गाइस सीरियसली बोलूँ तो पेड़ पौधे को छोड़ो अभी कुछ भी, और मुझे नहीं लगता कि तो मैं घास काटने वाला हूँ मेरे इतना इमरजेंसी हिम्मत नहीं बचा कि काम के वजह से पूरा वही लग चुका है। बाकी यार अभी सीन है, देखते हैं इधर क्या है, क्योंकि अभी पेड़ पौधे भी लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर बिल्डिंग ये सब बनाना हो तो उसके बाद इसको हटाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है गाइस, और इसीलिए अभी यहाँ पे उतना कुछ कर रहा हुआ ही नहीं है, तो नॉर्मल अभी रखा हुआ है। बाकी देख रहो इस नमूने को, तो पूरा पेड़ पौधे अभी उखाड़ने में लग चुका है, देख रहो इसका अलग ही है, ये बिल्डिंग टाइम पे यही आया था, अभी झाड़ पौधे क्या क्या उखाड़ रहा है इसको, मतलब कि इतना घर पे नहीं करता जितना इधर हो रहा है। तो बेसिकली यही है, पहले तो बाउंड्री नहीं था, बाउंड्री अभी रिसेंटली दिलाया था, तो उस टाइम पे तो मैं ही ब्लॉगिंग शॉर्ट डाल रहा था, बट अभी मैंने बंद किया है। बाकी यार आई नो कि ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया, पता नहीं कैसा हुआ क्या नहीं हुआ है, तो अभी रिसेंटली यही कि अभी थोड़ा सा ये देख लो अभी, हाँ एडिटिंग में बहुत कुछ निकलेगा, और इसकी रिकॉर्डिंग इतनी घटिया थी गाइस आपने देखी लिया, प्लांट बताते बताते क्या किया था, तो सीखना है इसको भी, अभी तो मैं भी उतना नहीं हूँ। बाकी आप देख सकते हो पूरा एरिया अभी डेवलप कुछ नहीं हुआ है, एक ये नॉर्मल है घर, इसको आपको बता दूँ तो ये 7 BHK बट बहुत छोटा छोटा रूम है, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसके पीछे एक गाँव का है तो उनसे उतना बात नहीं हुआ है, तो फिर भी है तो देख सकते हो, और पूरा एरिया सुनसान टाइप में, और ये हमारा मजदूर तो ये मजदूरी करने में लग चुका है, बाकी और कुछ है नहीं यार। तो अभी का प्लान यही कि आज का हम ब्लॉग यहीं एंड करेंगे, क्योंकि अभी दोबारा आज घर जाके ये करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमारा प्लान यही है कि आज ब्लॉग हम एंड करेंगे,
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए तो इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अभी इसके बाद तो भाई बस होने वाला है, मैं उतना नहीं होऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम कहीं और घूमने का प्लान बनाएंगे, तो उधर आपको हम अच्छे अच्छे चीज़ें दिखाएंगे और लॉन्ग में थोड़ा दिखाएंगे, तो वो आप लोगों के लिए भी बेस्ट होगा। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, एंड स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस आवर बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर वीडियो लाइक शॉर्ट्स वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो पर अभी मैं फोकस किया हूँ, लॉन्ग वीडियो भाई बनाएगा। तो बने रहो और थोड़ा सपोर्ट करो, 600 हमने क्रॉस किया है, 1000 तो क्रॉस कर ले पहले, उसके बाद देखते क्या सीन है। तो ओके गाइज, बाय बाय एंड सी यू।